जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे भक्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। इनकी बारे में आप बहुत सभी जानते हो, और जो नहीं जानते हैं तो आस्था चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से सर्च करोगे देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा को, तो ज़रूर मिलेगी आपको। और अपना कथा से जुड़कर अपना जीवन धन्य कीजिए, कृतार्थ कीजिए, क्योंकि इतने परम ज्ञानी हैं ये। इनको बहुत परम ज्ञान प्राप्त है, और किसी चीज़ में भी आप इनसे प्रश्न कर सकते हो, और बहुत सरल तरीके से जवाब अंधकार दिमाग में जो होता है हमारे धर्म को लेके या हमारे इष्ट को लेके, उसको मिटाते हैं और अपने उजाले का प्रकाश करते हैं। अब बताते हैं हम आपको प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, जो शिव पुराण कथा से माध्यम से जाने जाते हैं, और शिव पुराण कथा में करने में सबसे नंबर वन पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं महादेव की कृपा भक्तों पर इतनी इस प्रकार बरस रही है कि रिकॉर्ड टूट रहा है पब्लिक का। जो बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पब्लिक आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा में आ रही है, और महादेव की कृपा के पात्र बन रहे हैं, जो कि बहुत भाग्यशाली हैं भक्त सभी। अब बताते हैं हम आपको अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में, गुरुदेव के, जो वृंदावन में ब्रज धाम में निवास करते हैं, महान कार्य कर रहे हैं, और इनका हर कोई पसंद करता है, और देशों में विदेशों में जानते हैं, क्योंकि बहुत देश विदेशों में कथा भी करी है। लेकिन अब अपने धाम पर वृंदावन में ही गौरी गोपाल आश्रम में कथा चल रही है, जो गौरी गोपाल आश्रम परिवार जुड़ा हुआ है, सभी भक्त आश्रम से सभी का हृदय कृतार्थ कर रहे हैं। पावन कथा सुनाते हैं रोज़ाना, बहुत मीठी वाणी, बहुत सरल तरीके से कथा करते हैं। और आप बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार के दिहेंद्र शास्त्री जी के, जी हाँ, जो हमारे नटखट से गुरुदेव हैं, जो सभी को पब्लिक को हंसाते हैं और बहुत ही परम ज्ञान प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई हनुमत कथा के सुनाकर हमारे हनुमान जी जगाते हैं हमारे हृदय में। हनुमान चौपाई के बारे में बताते हैं, जो पावरफुल चौपाई है जिसका उच्चार बहुत कमी से करते हैं हम सब भक्त। कहते हैं सिर्फ एक किताब पढ़ने से कोई वो नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ति कितनी है और क्या पावरफुल है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के वचनों पर चलें, उनका कहना आदर करें, उनका कहना मानें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही ज़्यादा एक पावन कथा करते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनकी बराबरी पास तलक ना कोई आया है और ना कोई आने वाला है, क्योंकि जिसके गुरु पहलवान, उनका चेहला भी क्या ही, उनका चेले के क्या ही कहना। देख सकते हैं जो हनुमान जी, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, तो हनुमान जी को आप अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जिस रूप में आप ईश्वर को देखोगे, वही रूप में आपका पूरा रिश्ता निभाते हैं ईश्वर, जी हाँ। और देख सकते हैं हिंदू सनातन धर्म की जो बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार, सबसे कहते हैं पहली ताकत हमारे बजरंग बली है, दूसरी ताकत आप सब भक्त हो, अगर साथ दोगे तो हम हिंदू की ध्वजा ऐसे लहराएंगे सनातन धर्म की, कि हर कोई मिसाल एक बन के रह जाएगा, बहुत ही एक नाम वाम उनको कुछ नहीं चाहिए, अपनी पहचान नहीं चाहिए, बस उनका उद्देश्य है हनुमान जगाना सभी हिंदुओं के अंदर, घर घर भगवा रंग लहराना, और ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं। हमारे बजरंग बली जिसके भी हृदय में जगोए हैं, वो ही उसका हृदय आनंद आनंद है। इस कलयुग में बहुत सभी दुखी हैं, तो कथा के माध्यम